यानी कि वो डिटेल जो आप किस किसी और जगह पर नहीं मेंशन कर चुके हो वहां आप यहां कर सकते हो स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन। दिस टिपिकली इंक्लूड पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि कहीं और कवर नहीं हुए हैं रिपीटेड नहीं करने हैं आपको

मतलब कि कि ये चीज मेंशन करती है कि आपके टाइज आपकी होम कंट्री के साथ है और बहुत मजबूत है नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट में आपके जो है बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका पेस्टर्ब आ जाता है ऑफ कोर्स चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स तो जरूर आएंगे आएंगे पिछले तीन साल के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग सकते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर शोइंग दैट यू हैव यानी कि आपके पास फंड जो है वो सफिशियंट अमाउंट में है तो टाइज टू योर होम कंट्री में डॉक्यूमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट यूर स्ट्रॉन्ग टाइज स्ट्रोंग टाइज में क्या हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे रिलेशन है यहाँ प्रॉपर्टी ऑनरशिप या तो आपने कोई प्रॉपर्टी ओन की हो ठीक है या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो भी आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साल दो साल यहीं पर काम करोगे गवर्नमेंट जॉब है तो वहां पर आपको तो एन ओ सी लेनी पड़ेगी बिजनेस ऑनरशिप कोई आप बिजनेस चला रहे हो तो उसकी ऑनरशिप उसकी रजिस्ट्रेशन और फैमिली कमिटमेंट्स जो भी आपकी फैमिली के कमिटमेंट्स हैं वो सारी दिस हेल्प्स प्रूव दैट यू इंटेंड टू रिटर्न आफ्टर योर विजिट ट्रेवल हिस्ट्री में कॉपीज की जितने भी है, अगर आपने कहीं और विजिट किया हुआ तो काफी हद तक हेल्प करेगा कंडीशन टू यम्रॉड अकोमोडेशन डिटेल प्रूफ ऑफर यूलिंग योर विजिट मतलब की होटल बुकिंग है या फिर आप एयर बी रिजर्वेशन है या फिर किसी के पास वहां पर आप जिसके पास आप यहाँ जा रहे हो उसके पास रहने की आपकी फैसिलिटी है तो ट्रेवल प्लान में डिटेल प्लान ऑफ योर एक्टिविटी डिटेल प्लान में यानी कि आप कहाँ से कहाँ कौन कहाँ से कहाँ तक आप प्लान करोगे कहां से कहाँ तक आप जाओगे ये सारी चीजें प्लान

आपके होम कंट्रीज में इट स्पेसिफिक ऑन कि करते हुए देखते हुए देखते जो mind में आएंगे उसके, वीजा के वो चीजेंट क्लाइंट इंफॉर्मेशन कैन सिग्निफिकेंटली एनहैंस दीजा अप्रूव अगर आपने ये चीज अच्छे से की है तो जो आपका वीजा ऑफिसर है आपको चांसेस आर क्वाइट चांसेसर की अच्छे वीजा देगा एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन तो देखो ऑफकोर्स अब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप से वीजा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ राजेश कुमार हमारा जो है एप्लीकेंट है दैट इज डमी और जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और पासपोर्ट नंबर ये है और अप्लीकेशन नंबर ये है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन राजेश डॉट शर्मा एट ईमेल डॉट कॉम मीन ये डमिंग ई मैंने डाल दी है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में वो आज की डेट में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है एक ए कंट्री में न्यू डेली में जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन दस साल से वहाँ पर परमानेंटली काम कर रहा और मंथली सैलरी जो है उसकी वो डेट लाख है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव डॉलर तो यहाँ पर अप्रूव्ड uh, लीव है उसके पास एट दिसंबर से लेके सात जनवरी तक मीन एम्प्लॉय मीन एन जो है वो आप लगाओगे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस में सेविंग अकाउंट बैलेंस है जो कि ढाई लाख का मीन्स जो कि कैनेडियन डॉलर फोर्टी टू थाउजेंड है और पच्चीस लाख पच्चीस लाख का है तो बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच है के करीब है प्रूफ ऑफ फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफ भी बोल देते हैं म्यूचुअल फंड उसके पास अप्रॉक्सीमेटली पांच लाख के मीन फाइव हंड्रेड डॉलर के स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड

उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे इंप्लॉयमेंट लेटर बैंक स्टेटमेंट हो गए फिक्स डिपॉजिट हो गए म्यूचुअल फंड्स हो गया फैमिली आइडेंटिफिकेशन हो गई प्रॉपर्टी डीड हो गई वैल्यूशन के साथ इनविटेशन लेटर सुरेश शर्मा प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस तो ये एक जो है आपका हल्का फुल्का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गए तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि क्या क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है और क्यों जरूरी है विद एग्जांपल के साथ होपफुली ये आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रही होगी अगर आप विजिटल वीजा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो और अपने आप से अप्लाई करने जा रहे हो एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर थैंक यू